अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स होता है कम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स लिंक टुगेदर बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब पॉलिनोमियल होता है कम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स लिंक टुगेदर। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास मैनी टर्म्स। अब टर्म्स क्या होती हैं, सबसे पहले हम इसमें टर्म्स देखते हैं। टर्म्स होता है कम्बिनेशन ऑफ कॉफिशेंट्स एंड वेरिएबल। कॉफिशेंट्स एंड वेरिएबल, कॉफिशेंट्स वो होते हैं मतलब इस चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल 8x की पावर 4 मैंने लिखा है, तो 8 को हम कहेंगे कॉफिशेंट भी कहते हैं, इसको कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये वैल्यू सेम है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। पर वेरिएबल इस चीज़ को कहते हैं x को, x को आप चेंज भी कर सकते हैं, x को आप 2 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। इसी तरह ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं टर्म की, ये भी हमारा टर्म है पर इसमें दो वेरिएबल्स हैं। ये देखें x और y दो वेरिएबल हैं और कॉन्स्टेंट एक ही है, इसको कॉफिशेंट भी कहते हैं, कॉफिशेंट भी कहते हैं और कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, और इस चीज़ को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट कह लें ये जो पावर को, एक्स जैसे स्क्वेयर है, भी ये पावर भी कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी यूज़ करते हैं, कुछ एक्सपोनेंट कहते हैं कुछ पावर कहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास ये भी एक टर्म है 6x, ये हमारे पास एक टर्म है जो कि एक सिंपल है, जिसमें एक वेरिएबल है और एक कॉफिशेंट है। अब हमें टर्म समझ आ गई है। अब कम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स, मतलब आप कम्बिनेशन करेंगे मैनी टर्म्स का बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उस चीज़ को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये टर्म है हमारे पास 8x+9x² - 7x³, इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि इसमें ये देखें तीन टर्म्स हैं और ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के थ्रू हो रही हैं, तो इसको आप पॉलिनोमियल कहेंगे। ये भी हमारा नीचे भी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी पॉलिनोमियल होता है। आप इसको 7x² - 9x³ ले लें तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। पर इसमें अब आपने एक्सपोनेंट के देखना है क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट और कॉफिशेंट आपका क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल के लिए, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा इस चीज़ को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर भी कहते हैं इस चीज़ को, हमारा जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगर हमारा यहाँ पे माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, या तो नीचे आ जाएगा, अगर प्लस की है तो फिर तो ये नीचे आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, उसके साथ नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव की पावर होगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा, नो फ्रैक्शन पार्ट, उसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंट में। जो जो पावर है ना, फॉर एग्जांपल 1/2x^1/2 इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो वो भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई है। और कोफिशेंट हमारा रियल नंबर होना चाहिए। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी पॉलिनो उसको रैशनल फंक्शन को समझने के लिए, जो मैंने इससे पहली वीडियो में रैशनल फ्रैक्शन को समझाया वो किस तरह है, उसके लिए था कि पॉलिनोमियल और कॉमन टर्म उसमें यूज़ हो रहा था इसलिए। और कोफिशेंट हमारा क्या है, वो है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से, मतलब जो भी लाए करे उस पर, लाइन पे, एक लाइन पे, डॉट पे, 1, 2, 3, 4, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब आयोटा की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। Next अब देखते हैं नीचे इसी में कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, x² + x + x³, तो हम तीनों में एक एक x कॉमन हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी x² है, यहाँ भी एक x पड़ा है, यहाँ भी x³ है, तो एक x यहाँ से ही मिल जाएगा। तो 3x + 1 + x², जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यही फॉर्म आ जाएगी। ये चीज़ हमने ख़त्म करनी है रैशनल फंक्शन में, क्योंकि हमने इसको क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व करना है, तो हमारा कभी भी उसके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर होगा, फॉर एग्जांपल नीचे है या ऊपर है, तो हम उस कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेंगे, बेशक वो एक्स हो या कोई भी कांस्टेंट हो, 4 हो 7 हो x, कोई भी वाई हो, उस चीज़ को आपने पहले सॉल्व करने से पहले देख लेना है कि वो कहीं पर कॉमन तो नहीं है उसके अंदर। अगर कॉमन है तो कॉमन चीज़ को बाहर निकाल लेंगे, जैसे इसके अंदर कॉमन था x, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, ये है हमारा कॉमन फैक्टर। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी पॉलिनोमियल और कॉमन फैक्टर की, जो हमारी यूज़ होगी उसके अंदर रैशनल फ्रैक्शन के लिए यूज़ होगी। ओके.